नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत गौतम है। मैं लेवर फिजिशियन एवं लेवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और जीवेल हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। दोस्तों, वीडियो सीरीज की इस कड़ी में मैं आपको लेवर के इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हेपेटाइटिस ए और ई वायरस से होता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और अब जी एच टाइप के भी खोज लिए गए हैं, जिसमें से बी और सी के बारे में प्रीवियस अपने वीडियो में बता चुका हूं। इस वीडियो में आपको हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए वायरस एवं ई वायरस खाने पीने से फैलते हैं, गंदे पानी से या अनहाइजीनिक खाना खाने से होते हैं। जब भी ये होते हैं तो इंसान को प्रोड्रोमल सिम्टम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लक्षण आना। उसमें इंसान को थकावट आती है, बुखार आता है, बार बार ठंड लग के बुखार आता है, पेट के दाएं तरफ के हिस्से में दर्द हो सकता है, उसके अलावा उसका थकावट चढ़ी रहती है, भूख खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसको पीलिया भी होने लग जाता है। जिसको भी ये लक्षण आते हैं, जिसके दाएं तरफ में उसको दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रही है, साथ में पीलिया हो रहा है, उसको तुरंत लेवर फिजिशियन को दिखाना चाहिए। इसकी जाँच का बहुत सिंपल तरीका है, ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें एक लेवर फंक्शन टेस्ट होता है और हेपेटाइटिस ए और ई की खून के द्वारा जाँच हो जाती है। साथ में एक हम सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, जिससे लेवर में जो सूजन है वो हमें दिख जाती है। इसका इलाज बहुत सिंपल होता है, हमें रेस्ट देना होता है, लेवर फंक्शन से सिंपल मामूली दवाइयां होती हैं, ज़्यादा वाली चीज़ नहीं लेना होता है, और कुछ दवाइयां जो लेवर के रिएक्शन में हेल्प करती हैं वो लेना होता है। दोस्तों, यही वो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, जो जॉन्डिस होता है, जो झाड़ फूंक से लोग गाँव में ठीक करते हैं। क्योंकि अगर हम इसका कुछ भी इलाज नहीं भी लेते हैं, सिंपल हम प्लेन खाना खाना शुरू कर देते हैं, ऑयली चीज़ छोड़ देते हैं, तो लेवर अपने आप भी रिकवर हो जाता है। तो जिसको भी इस प्रकार के लक्षण हैं, उनको प्रॉपर लेवर फिजिशियन की केयर में इसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका समय से इलाज नहीं कराते हैं तो कभी कभी लेवर को सीरियसली डैमेज कर देते हैं, जिसमें वो एक्यूट लेवर फेलियर में भी जा सकता है। खासकर अगर प्रेगनेंट लेडी है और उसको हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको एक्यूट लेवर फेलियर के चांसेस 25 गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर किसी को भी इस प्रकार के लक्षण हैं, लेवर इन्फेक्शन पाया जा रहा है, तो उसको तुरंत प्रॉपर लिवर फिजिशियन को दिखाना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वायरस को समझने में मदद मिलेगी। नमस्कार।